हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम शुरू करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर विच इस इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है सबसे पहले हम इसको जानते हैं तो वर्ड जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पे आप लेटर्स लिख सकते हो अपने कोई नावल्स लिख सकते हो पोएम्स लिख सकते हो इट इज़ बेसिकली मेड फॉर टाइपिंग ठीक जिसमें आप अपने वर्ड्स को टाइप टाइप कर सकते हो नाम से ही पता चल रहा है वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप टेक्सट डॉक्यूमेंट लिखे हुए डॉक्यूमेंट को तैयार करते हो ठीक है सो लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इट सो यू कैन सी दैट इट इज़ अ प्रोग्राम टू क्रिएट एडिट एंड फॉर मेट टेक्सट डॉक्यूमेंट सो इस प्रोसेस को जब आप टाइप करते हो कुछ भी ठीक है टाइप करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग ठीक है सो so, दुनिया में सबसे पॉपुलर टाइपिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देयर आर प्लेंटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं बट सबसे पॉपुलर अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करोगे दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओके सो बाई यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट इज़ ईजी टूफ़िशंटली क्रिएट अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेसिस एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स फ्राम द सिंपलेस्ट लेटर टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूज़ के थ्रू क्या हो जाता है कि आप जो हैं कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाए चाहे वो सिंपल सा डॉक्यूमेंट हो चाहे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट हो इसको टाइप करना ईजी हो जाता है एज वेल एज़ देर आर मैनी फीचर्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे फीचर्स हैं ठीक है तो इन फीचर्स के थ्रू क्या होता है कि आप जो हैं अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उसकी प्रजेंटेशन को इन्हेंस कर सकते हैं उसमें बॉर्डर लगा सकते हैं पिक्चर एड कर सकते हैं जो राइटिंग की स्टाइल है यानी फॉन्ट है उनको बदल सकते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है जो लोग उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे उनको वो डॉक्यूमेंट देखना देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा सो नाउ वी विल सी यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सो फर्स्ट यूज इज़ टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट डैट इनकॉपोरेट इम्प्रेसिव ग्राफिक्स तो सबसे पहला यूज़ है प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स को बनाने में जो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सेकेंड यूज़ज़ गिव डॉक्यूमेंट अ कंसिस्टेंट लुक बाई अप्लाइंग स्टाइल एंड थीम्स डेट कंट्रोल द फॉन्ट साइज कलर एंड इफेक्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड पेज बैकग्राउंड यानी आप जो है अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें अलग अलग स्टाइल और थीम को अप्लाई कर सकते हैं जिससे क्या होगा आपने जो टाइप किया है उसका फॉन्ट साइज कलर बैकग्राउंड ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी और इसके नेक्स्ट यूज इज़ स्टोर एंड री यूज प्रीफॉर्मेटेड एलिमेंट सच एज कवर पेजेस एंड साइड बार्स तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हो अपने कंप्यूटर में और भविष्य में अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े अगर कोई चीज़ ऐड करनी है या रिड्यूस करनी है तो यू कुड ऐड और रिड्यूस इट वेरी ईजीली नाउ क्रिएट पर्सनलाइज मेलिंग्स टू मल्टीपल रिसिपिट्स विदाउट रिपीटिटिव टाइपिंग तो इसमें नेक्स्ट यूज़ है कि आप जो है एक ही जो लेटर है उसको एक बार टाइप करो और बहुत सारे लोगों को भेज सकते हो आपको बस कॉपी पेस्ट करना है और सारे लोगों को आपको अगर सौ लोगों को भी वो सेम लेटर भेजना है तो इट विल बी ईजी टू सेंड ठीक अगर आप एक पेपर पे लिखोगे तो सौ लोगों के लिए या तो आपको फोटो कापी करानी पड़ेगी या सौ लोगों के लिए टाइप करना पड़ेगा बट वर्ड में क्या होता है कि आप आप एक बार आटा लिख लो और सौ लोगों को आप वो मेल कर सकते हो मेक इन्फॉर्मेशन इन लॉन्ग डॉक्यूमेंट एसेबल बाई कंपाइलिंग टेबल्स ऑफ कंटेंट्स इन टेक्सेस एंड बिब्लोग्राफीज अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है ठीक बहुत एक्स एक्सीड अमाउंट ऑफ डेटा है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करके आप उस डेटा को कम कर सकते हो कम्प्राइज करने का मतलब होता है छोटे साइज में हाँ तोड़ देना तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स बना सकते हो ठीक है और उसके साथ साथ जो है आप इंडेक्सेस बना सकते हो ठीक बिब्लोग्राफीज बना सकते हो ठीक देन को था डॉक्यूमेंट विद टीम मेंबर्स यानी बहुत सारे लोग मिलकर भी एक डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं Now safeguard document by controlling who can make changes and the types of change that can be made as well as by removing personal and confidential information. तो आप जो है अपने doc safe document भी type कर सकते हो मतलब आप एक private document भी type कर सकते हो आपने कोई file बनाई उसमें आप privacy लगा सकते हो and that will be accessible by you only आप ही उस file को देख पाओगे बाकी लोग उस file को नहीं देख पाएंगे तो ये है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूजेस अब मैं आपको दिखा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो है वो कैसी दिखती है सी दैट दिस इज़ द विंडो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कॉर्नर में देखिए बेटा दिस इज फाइल टैट ठीक फिर क्विक एक्सेस टूल बार रिबन टैट रिबन इज़ दर ठीक डिजिटल बॉक्स इज दैर विंडो कंट्रोल दैर गैलरीज दैर मोर बटन आर दर एंड नीचे ग्रुप हैं स्टेटस बार है कोलेप्स रिबन है, है ठीक है तो हम वन बाई वन इसको समझेंगे तो एक बार फिर से देख लो जनरली जब आप माइक्रोसॉफ़्ट वर्ड खोलोगे तो आपको कैसा व्यू दिखेगा ठीक तो इस टाइप का व्यू आपको दिखता है जब भी आप माइक्रोसॉफ़्ट वर्ड को खोलते हो इसकी फाइल को ओपन करते हो जैसे आपने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो गया एंड दैट विल बी लाइक like दस वो ऐसी दिखेगी ठीक है तो अब इसके कंपोनेंट को जानते हैं सबसे पहले है देखो टाइटल बार ठीक टाइटल बार क्या होता है एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम विंडो दिस बार डिस द नेम ऑफ द एक्टिव ऑफ की डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड्स टूल फॉर मैनेजिंग द प्रोग्राम एंड प्रोग्राम विंडो ये देखो ये पूरा आपका क्या है टाइटल बार है ठीक टाइटल बार में क्या होता है जो आपने डॉक्यूमेंट खोला है उसका टाइटल दिखाता है आप अपनी फाइल को जो है कुछ ना कुछ नेम देते हो ना आपने जैसे मैंने आपको ये वाली फाइल भेजी माइक्रोसॉफ्ट की ठीक तो इसका टाइटल होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो ये जो टाइटल है ठीक ये टाइटल विंडो पे आपका दिखता है सो एट द लेफ्ट ऑफ़ द लेफ्ट एंड ऑफ द टाइटल बार इन द प्रोग्राम आइकन विच यू क्लिक टू डिस्प्ले कमांड्स टू री स्टोर मूव साइज मिनिमाइज मैक्सीमाइज एंड क्लोज द विंडो देखो कॉर्नर पर आपको ये ऑप्शन देखते हैं ये तो आपने हर एक सॉफ्टवेयर में देखे होंगे ठीक क्लोज द विंडो मैक्सीमाइज मिनिमाइज ठीक तो ये वाले जो ऑप्शन हैं दैट इज ऑल्सो प्रजेंट इन दाइटल बार ये भी कहाँ होते हैं टाइटल बार में एंड टू द राइट ऑफ द प्रो प्रोग्राम आईकंड क्विक एक्सेस टूल बार ठीक यहाँ जो है ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है जिसमें है सेव ऑप्शन अंडू ऑप्शन रीडू ऑप्शन ठीक है और तो आप इस क्विक एक्शन टूल बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और फिर बीच में जो है रिबन ऑप्शन होते हैं रिबन ऑप्शन देखिए ये है ना रिबन ऑप्शन ठीक दीज आर द रिबन ऑप्शन हेल्प बटन है और डॉक्यूमेंट का टाइटल है तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे जो एलिमेंट आपको टाइटल बार में देखने को मिलते हैं उसके बाद टाइटल बार के जस्ट नीचे होती है रिबन ठीक इस रिबन में क्या होता है ऑल दी कमांड्स फॉर वर्किंग विद अ वर्ड डॉक्यूमेंट गैदर टुगेदर इन सेंट्रल लोकेशन ठीक ये जो पूरा एरिया है देखो इस इमेज में आपको एक एरिया दिख रहा होगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करने की कमांड्स है ठीक है इन्हीं के थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हो तो ये जो कमांड्स हैं दीज कमांड्स आर प्रेजेंट इन अ रिबन एक रिबन में होती हैं इनके अल, इस, अब इनके अलग अलग नाम भी हैं जैसे टैब है ग्रुप है डायलॉग बॉक्स है कोलैप्स है और मोर है ठीक तो ये जो है इन कमांड्स के थ्रू आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो तो सबसे पहले जो टॉप है टॉप पे सबसे टॉप पे जो होते हैं टैब्स होते हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट बेटा दीज टैब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें जितनी भी वर्ड की कमांड्स हैं ये सारी की सारी टैब्स में ही होती हैं ठीक है तो आ, जैसे आपका फाइल है होम है इंसर्ट है डिज़ाइन है पेज लेआउट है रेफरेंसेस है मेलिंग्स है रिव्यू है व्यू है ये जितनी भी कमांड्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड वो सारी की सारी कमांड जो हैं वो कहाँ होती हैं टैब बटन में ही होती हैं ठीक है अब इनके थ्रू आप अपने वर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसको मैनेज कर सकते हो जैसे फ़ॉन्ट चेंज करना है आपने साइज चेंज करना है कलर चेंज करना है बैकग्राउंड चेंज करना है कोई डिज़ाइन लगाना है कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है पेज का जो लेआउट है यानी बैकग्राउंड चेंज करना है पेज का ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस टैब के थ्रू ही आप करते हो ठीक है तो जितने भी ये कमांड सॉरी टैब बटन के अंदर जितने भी हैं ये सारे के सारे असेंशियल होते हैं आपके वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के लिए ठीक तो आज हम केवल इतना ही देखते हैं आई होप आपको ये समझ में आया होगा बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे ठीक है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी प्रजेंट इन नेक्स्ट क्लास एज वेल आप लोग नेक्स्ट क्लास में भी प्रेजेंट रहेंगे हैव अ गुड डे हैड